हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप का मुख्यतः उपयोग कान से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये ड्रॉप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस ड्रॉप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। सिप्ला कंपनी का ये 10 ml का ड्रॉप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 66 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप में पैराडाई क्लोरो बेंजेनिक 2%, बेंजोकेन IP 2.7%, क्लोरो ब्यूटोल IP 5%, टर्पेंटाइन ऑयल IP 15% ईयर कंटेंट समझते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का मुख्यतः उपयोग बाहरी कान का इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। इसे कान में दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस ड्रॉप को कान बहने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। कान बहने का मतलब है कान से एक तरल पदार्थ का रिसाव होना, इसे ओटोरिया भी कहा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस ड्रॉप का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस ड्रॉप का डोस आपके समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या बड़ी हो तो इस ड्रॉप का डोस भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस ड्रॉप का डोस भी कम होगा। इसलिए आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कीजिए। साइड इफेक्ट, इस ड्रॉप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस ड्रॉप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल से आपको कान में जलन, सिर दर्द, एलर्जी, मितली, उल्टी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस ड्रॉप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस ड्रॉप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस ड्रॉप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस ड्रॉप का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य ड्रॉप या मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस ड्रॉप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको किडनी या फिर लिवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। अगर आपकी कान से संबंधित कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस ड्रॉप के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।